गाइस मौसम बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पे और बोट मिल मेरे पीछे खड़ी है और हम लोग जाएंगे रेल सी ब्रिज पम्बन ब्रिज से. सो आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल एक्साइटेड? सो कैन वी हैव द इंट्रो प्लीज? हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक. सो आज की राइड में ज्वाइन करिए मुझे द स्कैरिएस्ट, डेडलीएस्ट एंड द मोस्ट हॉरिफिक ट्रेन राइड ऑफ इंडिया. और हम लोग बात करेंगे इंडिया के 100 ईयर से भी ज्यादा ओल्ड ट्रेन जिसने स्टार्ट किया था ऑपरेशन 1914 में ऑन फरवरी 24. यही ट्रेन पार्ट हुआ करती थी इंडिया के मद्रास से श्रीलंका जाने वाली ट्रेन फेरी कंबाइंड राइट की, जो दो दिन तक पहले कंडक्ट की जाती थी. और पहले ये पूरी सर्विस को इंडिया के मद्रास से श्रीलंका के कोलंबो तक चलाया जाता था. ट्रेन का मोस्ट डेडली पार्ट तब आएगा जब हम जाएंगे इंडिया के फर्स्ट रेल सी ब्रिज से, ऑल्सो इंडिया के लॉन्गेस्ट रेल सी ब्रिज से, जो कि मार्वल्स ऑफ इंजीनियरिंग में कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड के सेकेंड मोस्ट क्रोसिव इन्वायरमेंट में आफ्टर मेक्सिको. इसका दूसरा नाम कैंटिलीवर शर्जर रोलिंग लिफ्ट ब्रिज भी है बिकॉज इसे एक जर्मन इंजीनियर विलियम शर्जर ने 1913 में दिसंबर में कंप्लीट किया था. 1964 में हिट किया था एक बहुत बुरा साइक्लोन जो कि इनिशिएट हुआ था बे ऑफ बंगाल में, एंड पूरी ट्रेन बोट मेल प्लस पम्बन ब्रिज पूरी तरीके से पूरा वॉश ऑफ हो गया था. राइट नाउ वी आर गोना बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम रामेश्वरम टू चेन्नई एग्मोर. सो आर यू ऑल रेडी फॉर दिस ब्यूटिफुल बट डेडलीस्ट एडवेंचर ऑफ माई लाइफ? So you are watching Radio Active Ruchi. This is your host Ruchi Trivedi. Let's begin the adventure together. Last video में आप देख पाए कि हम लोग आए थे पम्बन रोड ब्रिज पे देखने के लिए कि किस तरीके से हमारी आंखों से दिखता है इस ब्रिज से पास होते हुए एक ट्रेन. एंड फाइनली वी गॉट लकी और हम लोगों ने इस तरह की ट्रेन देखी. आप चाहें तो पूरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं उस वीडियो का और देख सकते हैं पम्बन ब्रिज को पम्बन रोड ब्रिज से. लास्ट वीडियो में ये नज़ारा दिखाने के बाद मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं करूँगी एक जर्नी इसी डबल लीफ बास्क्यूल सेक्शन वाले पम्बन ब्रिज पे. एंड द मोमेंट इज हियर, वी गोना हेड टू द रामेश्वरम रेलवे स्टेशन. वहाँ से हम लोग बोर्ड करेंगे रामेश्वरम से चेन्नई तक बोट मेल. Hey guys, namaste, sat sri akal, aadab, स्वागत करती हूँ आपका पे रेडियो एक्टिव रुचि पे. और जैसा कि आप लोग दिख रहे हैं हम लोग रामेश्वरम में, और आपने कैप्शन में पढ़ी लिया होगा कि हम लोग आज जाने वाले हैं बोट मेल से ट्रैवल करने वाले हैं. तो यार आई एम वेरी 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 एक्साइटेड. 5:25 पे शाम को ये यहाँ से रामेश्वरम से निकलती है, 6:45 पे चेन्नई एग्मोर पहुँचा देती है. सो गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम जाने वाले हैं पम्बन ब्रिज से, तो मतलब सबसे ज़्यादा द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस सी ब्रिज, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा हादसा हुआ था जिसको दुनिया कभी नहीं भूल सकती और भारत में तो कभी नहीं भूला जा सकता. तो पहले ये वर्ली सी लिंक बनने से पहले ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज हुआ करता था पम्बन ब्रिज, बट वर्ली सी लिंक मुंबई बनने के बाद ये सेकेंड नंबर पर आ गया है. बट रेल में अगर रेल सी ब्रिज की बात करा जाए तो ये अभी भी नंबर वन है. सो 100 साल से पुराना है. कैन यू गेस इट? 100 साल से पुराना पम्बन ब्रिज. सो आज जो है मैक्सिमम फोकस जो है, कुछ स्टेशन ज़रूर दिखाऊंगी मैं आपको जर्नी अंदर इंटीरियर दिखाऊंगी, बट जो मैक्सिमम फोकस है वो हमारा रहने वाला है पम्बन ब्रिज पे. सो आर यू ऑल विद मी गाइस? रेडी? आर यू ऑल सेट? सबसे पहले तो मेरी तो जान निकल रही पम्बन ब्रिज दिखाने के लिए क्योंकि आपको तो पता ही है. तो यस, कैरियस तो होता ही है, डर तो लगता ही है बिल्कुल. कोई आसपास प्रोडक्शन नहीं है और वो जो ब्रिज है उसका पूरा डिटेल वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे. जैसे मैंने आपको रामेश्वरम की जगह दिखाई हुई वो डिटेल वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं. सो गाइज आर यू ऑल रेडी? जर्नी को कर लेते हैं शुरू बोट मेल से. और बोट मेल क्यों जो कहा जाता है इसको वो आपको आगे पता चलेगा. सो आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल एक्साइटेड? लेट्स गो देन. ट्रेन के ऑपरेशंस को बीच में बंद कर दिया गया था क्योंकि ये ट्रेन उससे पहले मीटर गेज पर चलती थी जब तक कि ब्रॉड गेज में कन्वर्शन नहीं हो गया ट्रैक्स का. अब हम लोग मनमदुरई त्रिची तंबरम वाली लाइन से रामेश्वरम से चेन्नई की तरफ जाएंगे. तो पता ही है कहाँ पे.
सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियली एक्टिव रुचि। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये पूरी जर्नी पसंद आने वाली है, आपको दिख रहा है लोको, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो देखते हैं। वैसे डीजल लोकोमोटिव होगा और जीओसी कैटेगरी वाला वही WDP3A लगा होगा, वही डीजल वाला इंजन है। सो देख के आते हैं। देखिए यार कितना आसमान, तो देखो क्या क्लियर आसमान है यार, गजब। और अब मैं जा रही हूँ आपको लोकोमोटिव दिखाने। ये है आज का हमारा लोकोमोटिव जो हमको लेके जाएगा। सो आज की जर्नी हमारी होने वाली है इस लोकोमोटिव के साथ, WDG, ये वही है जो मैंने GOC WDG, ये है हमारा आज का लोकोमोटिव। वाह, लोकोमोटिव यहाँ से डीजल का जाते हुए जो आप देख रहे होंगे, ये WDM3A। भाई साहब कितनी बार आपने मुझे छुक छुक करता ट्रेन इंजन देखा होगा, तो ये आपको देखेगा छुक छुक करना WDG3AGOC आपको दिख रहा होगा, गजब। और ये आ गई है एक ट्रेन यहाँ पे। सही, रामेश्वरम ट्रिची। सो लेट्स गो फॉर द जर्नी, लेट्स गो। केक यहाँ से ले लिया है, मन था खाने का। सो और यार अगर साउथ में आए हैं तो चिप्स ना खाएं तो कैसे चल सकता है। तो ये 35 रुपीस के चिप्स हैं, ये लेने वाली हूँ। सो यस, सो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं ट्रेन के अंदर। मेरी ट्रेन नंबर सीट है 18, सो वो आगे की तरफ है, सीट नंबर 18। ये अपर बर्थ है मेरी, सीट नंबर 18 पे। चलो सेटल हो जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सो गाइस अगर आपको देखना है अंदर से कि वो जो फर्स्ट कम सेकंड एसी किसे कहते हैं, तो वो मैं एक बार आपको पूरा कंपार्टमेंट जो है वो दिखा देती हूँ। सो दिस इज द प्लेस, ये कैबिन्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट एसी का सीआर राजधानी का अपना वीडियो देख ही लिया होगा, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको कैबिन्स दिख जाएंगे, ठीक है। ये सब प्रोवाइडेड है यहाँ पे, ब्लैंकेट्स और ये, और चार सीट्स, और ये डोर है, ठीक है, सिंपल। और यहाँ से जस्ट ये ना वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, जितने पैसेंजर्स उसके अकॉर्डिंग सीटिंग कैपेसिटी और उसके अकॉर्डिंग जैसी नीड होती है उस हिसाब से रेलवेज काम करती है। रामेश्वरम, तो ये आपको दिख जाएगा सेकेंड एसी। तो जस्ट इट्स जस्ट एक कंपार्टमेंट में आपको दोनों चीज़ें दिख जाती हैं, मतलब हाफ जो है जो कोच है दैट इज फर्स्ट एसी एंड द हाफ अदर हाफ इज द सेकंड टियर। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो है दोनों एक में ही कंबाइंड रहता है। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कम सेकंड एसी। ना लाइट जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो अभी इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है कि ये लाइट यहाँ पे अभी नहीं चल रही है और ये वाली भी नहीं चल रही है। सो बाकी जल रही है, आपको ये नहीं जल रही है। सो अभी बताया है तो देखते हैं। सो ये मैं आपको इसका इंटीरियर बता दूँ एक बार, ये आप देख सकते हैं सामने ये सीट्स। तो भाई सेकंड एसी में वही सब जगह कॉमन कर्टन्स दिए हुए हैं, लाइट्स है, सामने मिरर है, ये सीट है। तो सीट तो सेकंड एसी की थोड़ी चौड़ी होती ही है, नॉर्मल सी बात है। ये यहाँ पर अपनी तो मेरी तो ये वाली है, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, बदन हाँ ये नीचे है, इसको नीचे गिरा के आप आराम से बैठ सकते हैं। ये टॉयलेट है, डस्टबिन दिया हुआ है, वॉश बेसिन है, डिस्पेंसर है, सोप डिस्पेंसर, मिरर दिया हुआ है, एग्जॉस्ट दिया हुआ है, फोन दिया हुआ है, ये है लाइटिंग जलॉट, ये इंडियन वॉशरूम है, वॉश बेसिन दिया हुआ है, ये यहाँ पर मिरर है, ऑल ऑफ दैट क्लीन है, साफ है। ये भी काफ़ी बड़ा है, मतलब साइज़ वाइज, और काफ़ी स्पेशियस। सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, आप इसमें स्पेस देखिए, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है वॉशरूम्स में, इस वाले वॉशरूम से भी गजब है ये वाली बात। चलो भाई, ये हमारा सेकंड एसी का वॉशरूम हो गया, जो इस तरह से वॉशरूम है ये है, और ये वॉश बेसिन इसकी दी है, सिरेमिक की है, ये वॉश बेसिन सिरेमिक की वॉश बेसिन है। दिस इज़ द मिरर सोप रखने के लिए, ये सोप का पुराने ज़माने वाला डल्लू स्टाइल, और ये वही चीज़ है, और ये मिरर है। सो दैट सेट अप द वॉशरूम। तो अभी तो ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है, तो खुला हुआ है। तो भाई जर्नी बस शुरू ही होने वाली है थोड़ी देर में। बस यार यहाँ पे पता सबसे अच्छी चीज़ है ना, तो मुझे रेलवे ट्रैक्स भी गंदे नहीं दिख रहे हैं। चलिए आप अपने कोच में वापस लौटते हैं। सो गाइज वी आर लीविंग रामेश्वरम फाइनली विद द बोट मेल।
वो डीजल वाला इंजन वाला पुराने जमाने का टाइप चुक 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 याद आ रहा है बिल्कुल ना। रामेश्वरम से गुड बाय कही है वापस आने के लिए यहाँ पे। दिस इज साउथ इंडिया टूरिज्म। सो गाइस दिस इज कैन यू सी इट, ये देखिए यहाँ से हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। Look at the bridge in the front. ये जो सामने बन रहा है वो है the new bridge. मतलब रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। जितना सुंदर है उतना ही scary भी है ये। Touch wood. और अब हम जहाँ एंटर करने वाले हैं वो है डबल लीफ बैस्टुल सेक्शन वाला जो ब्रिज है उसमें हम सीधे, जो मैनुअली ऑपरेट होता है, जो कि वहाँ के ऑपरेटर होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है और लगभग 50 टू 60 मिनट्स का प्रोसीजर होता है जिसको कि इसको पूरा लिफ्ट किया जाता है और पूरी जो शिप्स हैं वो यहाँ से पास होती हैं। 1964 से पहले जब यहाँ पे साइक्लोन आया था तब यहाँ पे एनेमोमीटर जो था वो फिट था। एनेमोमीटर क्या होता है, जो विंड की वेलोसिटी को चेक करता है। तो जैसे ही विंड 64 किलोमीटर पर आर की स्पीड से बहती थी वैसे ही ये सिग्नल करने लग जाता था। जब 1964 का जो साइक्लोन था वो आया उसके बाद वो पूरा सिग्नलिंग सिस्टम भी बर्बाद हो गया। उसके बाद इसको 3 मंथ्स के बाद वापस से रीइंस्टॉल किया गया। अब इसकी जो स्पीड है उसको 58 किलोमीटर तक रिड्यूस कर दिया गया कि जैसे 58 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मतलब जो वेलोसिटी होगी विंड की इतनी होगी वैसे ही वो सिग्नल करेगा। और यहीं पर सबसे जो गहरा सेक्शन है पानी का वो दिख जाता है और यहाँ पर मार्कस वगैरह जो हैं वो पूरे के पूरे बने हुए हैं। सो दिस was the beautiful section of bascule bridge या फिर cantilever bridge which was made by German engineer William Schurzer. ब्रिज में आपको दिखा रही थी एक वीडियो में, आप उसको प्रॉपर यहाँ से आपको दिखेगा। और लुक एट द शिप्स, वाओ, दिस इज लाइक ऐसा फैक्चुअली नोटेड है कि ये जो ब्रिज है वो सिर्फ 2 साल में तैयार हो गया था। 1911 से बनना स्टार्ट हुआ, 1913 तक दिसंबर तक कंप्लीट हो गया। एंड सबसे अच्छी बात कि ये जो ब्रिज है वो इंडिया का जो ये पार्ट है वो सबसे मोस्ट क्रोसिव पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में से गिना जाता है, सेकंड नंबर पे आफ्टर मेक्सिको के बाद। तो ये वहाँ पे भी इसका मेंटेनेंस कितना ज़्यादा होता होगा, बट फिर भी मतलब हैट्स ऑफ टू द सदर्न रेलवे फॉर मेंटेनिंग दिस ब्रिज फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। यस 100 ईयर्स, एक सेंचुरी पूरी निकल चुकी है यार। सो ऑब्वियसली अब ये जो ब्रिज है वो इतना पुराना हो चुका है इसीलिए तो एक नए ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। The world's most famous bridge. इसे 1400 साल से पुराना ये ब्रिज। नाइनटीन
1964 के साइक्लोन की अगर बात की जाए तो वो दिन एक ऐसा दिन था जिसे कभी कोई नहीं भुला सकता। बे ऑफ बंगाल के ईस्टर्न साइड पे 120 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से एक भयंकर साइक्लोन उठा जो कि लगभग 12:30 बजे तक पहुंच चुका था पंबन आइलैंड तक। एक ट्रेन जिसका नंबर था 653 निकली 11:55 पे अपने रेलवे स्टेशन से, जिसके अंदर सवार थे, कहा जाता है कि 110 लोग, स्टूडेंट्स वगैरह थे, रेलवे स्टाफ था। सिग्नलिंग सिस्टम ऑफ हो जाने के कारण ड्राइवर ने रिस्क लिया और ट्रेन को आगे बढ़ा दिया इस ब्रिज पे। अचानक से एक पूरे आसपास भयंकर सी लहर उठी जो इस पूरी ट्रेन को बहा के ले गई। इसमें कोई भी नहीं बचा। कहते हैं कि लगभग 200 से ज़्यादा, क्योंकि बहुत से लोगों ने टिकट्स ही नहीं ली थी, इतने से ज़्यादा लोग मारे गए। और उसके बाद पूरा जो ब्रिज था वो समेट के रह गया सिर्फ रामेश्वरम तक। इससे पहले ये धनुषकोडी टाउन तक भी जाता था, बट पूरा वॉश अप हो जाने के कारण वहाँ के सारे ट्रैक्स थे वो बर्बाद हो गए। वैसे तो रामेश्वरम तक इस पूरी लाइन को रीइंस्टॉल कर दिया गया सिर्फ 3 मंथ्स में, बट उसके आगे तक फिलहाल कोई भी ट्रैक्स नहीं है रामेश्वरम के बाद। हो सकता है आगे प्रोबेबिलिटी हो कि इस तरीके के हमें ट्रैक्स मिले धनुषकोडी टाउन तक। कवर कर चुकी है द पंबन ब्रिज। सो गाइस लेट्स से बाय बाय टू द पंबन ब्रिज। फाइनली वी आर डन। यहाँ पे गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और अगर इसकी पूरी लेंथ की बात करूँ कि इतना लंबा है ये, तो ये 2065 मीटर्स यानी 2 किलोमीटर 65 मीटर्स के आसपास है ये। सो देख सकते हैं आप 2 किलोमीटर का ब्रिज जो है वो क्रॉस करके आए हैं। ट्रेन की स्पीड काफ़ी इस समय स्लो हो जाती है, और ये मंडपम को कनेक्ट करता है पंबन से। तो आइलैंड को कनेक्टिविटी यही ट्रेन और यही रूट जो है प्रोवाइड करता था। Wow, look at this. Train की इंजन और ये पूरा, this is the beauty, can you see? Hey, come on! Wow, sun का क्या सीन आ रहा है। राइट हैंड कॉर्नर है ना, बहुत कड़क कड़क टाइप में है, तो सिर्फ 3 रोटी तो बस ये मिल रही है। तो साइज जो है बहुत ही पतला सा है, तो बस एक ये मिल रही है। ये आप देख लीजिए बिरयानी ऐसी है, अचार है इसमें और ये बिरयानी है। तो अभी थोड़ा खा के बताती हूँ टेस्ट कैसा है। तो बस ट्राई करके देखिए कैसा है ये। मुझे तो वैसे देखने से इतना अच्छा नहीं लग रहा है यार। सोच रहा हूँ ये मैंने रिव्यू क्यों नहीं किया, यू नो बाकी उसका, तो मेरे पास रिव्यू के लिए ना कोई शब्द नहीं बचा। खाना की अगर बात करें तो आई रियली, पता है खाने की ना बुराई नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हर
दाना दाना जो है ना बहुत मुश्किल से नसीब होता है लोगों को, कि हम बुराई नहीं कर सकते, हम बस ये बोल सकते हैं कि आपको उसी उसी पैसे में आप एक कैसे थोड़ा अच्छा खाना खा सकते हैं, बस एक यही चीज़ है। सो बस मैं इतना बोलूँगी कि इससे काफ़ी बेहतर चीज़ आप उसी पैसे में खा सकते हैं अगर आप रामेश्वरम से कुछ पैक करा लें, बिकॉज़ जो यहाँ पे जो दिया गया था, पैसे तो आपसे लिए ही जा रहे हैं पर जो क्वालिटी थी वो सही में अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। बिरयानी हालांकि थोड़ी बहुत खाने लायक थी, चल जाएगी, बट बाकी तो चीज़ें यार नहीं। बैठे हुए यार फाइनली एकदम पम्बन ब्रिज का एकदम बहुत बढ़िया नज़ारा देखने के बाद फाइनली यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी भी मेरे माथे में मुझे छोटे तिलक दिख रहे हैं क्योंकि आज पूरा रामेश्वरम ही रामेश्वरम, राम ही राम हो चुके थे सब जगह। सो बेहतरीन एक्सपीरियंस मज़ा दिख रहा है। यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह भी दिख जाएंगे, ये कुशन कवर, हम सफ़र में आए थे तो इतने अच्छे कुशन कवर और ब्लैंकेट्स की बहुत कमी हो गई थी, ये फिर भी बेटर है। और बाकी आपको जो है ये ब्लैंकेट्स दिख जाएंगे इन जगहों के लिए। कारे कुड्डी से निकल चुके हैं अभी आप देखेंगे तो, मैं जब तक बाहर आई तब तक निकल चुके थे हम लोग। तो ये था हमारा कारे कुड्डी। मैं फाइनली आपको सोच रही हूँ कि हम लोग ना, मैं आपको त्रिची पे त्रिचीपल्ली पे ही दिखाऊँ। वैसी वाली फीलिंग आती है ना वो इन ट्रेनों में आती है, बाकी तो पूरी कोई जर्क ही नहीं होता, बाकी ट्रेन एकदम स्मूथ चल रही होती है, बट जो डीजल इंजन वाली ट्रेनें होती है ना जो इस तरह से चलती है वो चलती है, तो पूरा पूरा हिलते हुए। तो ये बिल्कुल डिस्को डांस वाली ट्रेन है बोट में भाई, मतलब मेरे वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से ये है ट्रेन मुझे लग रहा है। लेकिन बस खाना यार, पैंट्री कार नहीं है ना इसमें, साइड पैंट्री से खाना चढ़ रहा है तो वो खाना उतना था यार, बट वर्थ है मुझे लग रहा है। ऐसी जर्नी में कभी कभी थोड़ा बहुत खाना अभी वाला सिस्टम भी चल जाता है यार। अभी हमारे सामने शिट के सामने लोग आ गए हैं, बट आपको त्रिचीपल्ली में मिलेंगे फिर। अब आप भाई सुबह जर्नी हो चुकी है ख़त्म, बहुत देर सोए और कैबिन को बाय कर देते हैं। यार मस्त सोई हूँ मैं, पहुँच गए हम लोग। Hey guys, good morning. आप बहुत ज़्यादा मेरी आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं आवाज़ आई कि नहीं, बट अब हम लोग पहुँच गए चेन्नई एक बहुत फाइनली। और मैं रात बहुत सोई हुई यार, मतलब निकलने के बाद तो चलू पे भी कुछ पे भी निकल रहे थे कुछ खाने के लिए। आई जस्ट वॉज जस्ट स्लीपिंग। रामेश्वरम एक्सप्रेस 22662 भी, रामेश्वरम एक्सप्रेस भी अभी आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और मेरे पीछे आपको दिख जाएगा पहले मेरा कितना भव्य और कितना सुंदर बिल्कुल बनाया हुआ है। ये पानी वाला देखिए, ये एकदम मज़ेदार लगा मुझे, आपने देखा ही है कि बहुत ही सुंदर और साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा है स्टेशन के ऊपर, मतलब हर चीज़ एकदम क्लियरली बहुत अच्छे साफ है। साउथ में जितने भी स्टेशन का आप देख लो, साफ़ सफाई तो मतलब दूसरा नाम है रेलवे स्टेशन का। और मैं पूरे रात भर सोई हूँ और यहाँ चेन्नई एयरपोर्ट पे सीधे उतरी हूँ। और कल आपको ये पूरा सफ़र कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो केंद्र बिंदु था आज की पूरी वीडियो का वो था पम्बन ब्रिज और ये बोट मेल। सो ये बस इस बोट मेल से हम लोग, जो मेरे आपको जो मेरे पीछे दिख जाएगी बोट मेल खड़ी हुई, तो ये बोट मेल और पम्बन ब्रिज ये हमारा इस पूरी जर्नी का मेन था। और आपको पम्बन ब्रिज का सफ़र कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। आई होप यू इन्जॉय दिस ब्लॉग, और आप आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। चेन्नई एग्मोर का एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसमें इतना
ये इतना सुंदर रेलवे स्टेशन क्यों कहा जाता है भारत में उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगी, और वो उसमें आपको बहुत सारी मिलेंगी जानकारी और बहुत सारा मज़ा आने वाला है। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वर विद रेडियो एक्टिव रुचि। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर तो आप कर ही देते हैं। सो गाइस, जल्दी ही मिलेंगे अगले ब्लॉग्स में। अगर आपने मेरे रामेश्वरम के ब्लॉग्स नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा, पूरी डिटेल्स के साथ मज़ेदार वीडियोज़ है। यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी अलविदा। सो दिस इज रेडियो एक्टिव रुचि साइनिंग ऑफ फ्रॉम चेन्नई एग्मोर। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली ऑल्सो। बाय बाय।